हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हल्दी का दिन और मैं इस ब्लॉग को मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे नाश्ता करने और हम सब पूरी फैमिली के लोग मिलके इधर नाश्ता कर रहे हैं। ये हमारी दीदी का दूसरी घर है, ये हमारी दीदी का दूसरी वाली ज़मीन है जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। और यहीं पर हल्दी मटकोर का जो खाने का इंतज़ाम होता है रात के टाइम में, यहीं पर की जाएगी। और ये सब सारे रूम्स जो है किराए पे दिया हुआ है, पर फिलहाल यहीं पे खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। तो घर के जितने भी लेडीज़ हैं एक साथ ही बैठ के अभी नाश्ता कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं नाश्ता करके आई हूँ वापस और अभी टाइम 10:30 हो रहा है और आज है थर्ड डे, मतलब आज है हल्दी मटकोर और कल शादी होगी। तो अभी मैं आ गई हूँ घर थोड़ा सा और जल्दी जल्दी मैं बिस्तर वगैरह के चादर वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि आगे मम्मी भी आएगी, तो सब कुछ चेंज वगैरह कर लूँगी। और क्योंकि फिर थोड़ी देर में पार्लर ओपन करूँगी तो आज दिन भर फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा घर पे आने का। कल क्या हुआ कि कल ना मैं कपड़े वगैरह धो के रख के बाथरूम के सामने चली गई, एक कस्टमर आ गया था चली गई, और उसके बाद जो मैं गई ना मैंने नाश्ता किया ना मैंने खाना खाया, बस मतलब पार्लर ही में मैंने दिन भर मतलब मैं रह गया। और उसके बाद फिर रात को डायरेक्टली तैयार होके फिर मैं पार्टी में चली गई थी। तो ऐसा ही हो जाता है आजकल, तो इसीलिए मैं अभी बिस्तर वगैरह थोड़ा सा बना लूँगी और बनाने के बाद फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हो रहा है रात का वक्त, तो यहाँ पे राशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, जो बीत घुमाने के लिए निकलता है वहाँ पे निकल चुके हैं। मैं फिर से पहुँचने में लेट हो गई थी, तो आजकल मैं सब कुछ सारे जो बीत वगैरह है उसमें मैं लेट लेट पहुँच रही हूँ। तो यहाँ पे जो है माटी कोड़ने का रस्म हो गया है। जो है हमारे घर के सामने वाले मार्ट में की गई थी, तो अब वहाँ से सब निकलने के बाद बस बैंडबाजे पे डांस करना स्टार्ट कर चुके हैं और फिर एक और जगह जाना है हमें रस्म करने। तो ऐसे ही नाचते नाचते सब वहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले इस आटे को आटे की गोली को अच्छी तरीके से कुएं पे चिपका दिया गया, फिर सिंदूर टी के लड्डू और पान सुपारी वगैरह चढ़ा के और उसके बाद रसम की जाएगी। अभी यहाँ पे सबसे पहले कुएं का पूजा हो रहा है और उसके बाद फिर एक रस्म होता है पूजा करने के बाद जिया जी मतलब लड़की के जो जिया जी हैं वो एक हाथ से कुएं से पानी भरेंगे। तो ऐसा वो 4-5 बार करना होगा उनको, एक हाथ से 4 बार पानी को फेंक दिया जाएगा और 5वें बार में उससे रस्म किया जाएगा। तो ये अभी यहाँ पर होने वाला है। Thank you.
हाथ लथर कर बेचारा के सामने देखे ना एक बार सामने सभी देखे ना देखिए देखिए सामने देखिए दीदी देखो सामने देखो ना एक बार सामने देखो दीदी दीदी देखो ना मैंने किसी भी क्लिप से अभी आवाज़ को बंद नहीं किया है, मतलब आवाज़ बंद करके अगर आवाज़ डब कर रही थी ना तो बड़ी शांत शांत से लग रही थी, तो मैंने सोचा कि जैसी है वैसी वीडियो में डाल देती हूँ। वो वाली जो है लड़की की बुआ है जिसने कलश को माथे पे लिया हुआ है, और यही होती है ये कुआं का रस्म, जो एक हाथ से जिया जी पानी भरेंगे, पाँच बार भरेंगे, चार बार गिरा देते हैं और उसके बाद पाँचवें बार में कलश में पानी भर के बुआ अपने सर पे घड़ा रख के घर तक लेके जाएंगी, और इस तरीके से ढकी हुई जिस टाइप से अभी ढका हुआ है उसी टाइप से ढकी हुई वो घर तक जाएंगी। वापस जाने टाइम फिर से डांस स्टार्ट हो चुका है सबका, तो घर जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए सबको एनर्जी रहती है डांस करने में, और नाचते नाचते ऐसे ही घर तक पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो आराम से सब अभी नाचते नाचते घर तक जाएंगे। घर आने के बाद अब भैया भाभी सब बैठ गए हैं हवन करने के लिए, तो इधर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जो हवन होती है वही हो रही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाथ, जनों के संकट चल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, गोत्रे पय पावे दुख दिन से मन का हो स्वामी। आरती होने के बाद अब मड़ुए की रस्म की जा रही है, तो यहाँ पे घर के सात आदमी मिलके ये रस्म करते हैं, तो ये यहाँ पे अभी हो रहा है, और इसके बाद फिर हल्दी की रस्म होगी। अभी तक हल्दी नहीं लगी है लड़की को, अब पंडित जी जैसे जैसे बताएंगे उसके बाद अब हल्दी वगैरह लगेगी। तो मड़वे का रस्म करने के बाद यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है। एक्चुअली इस रस्म के बाद ना मजाक से लोग मतलब जो भी जेंट्स वगैरह आते हैं ये रस्म करने के लिए उसके कपड़ों पे हल्दी सिंदूर वगैरह इन सब का छाप मार देते हैं, मतलब एक पूरे हाथ से एक पांच उंगली का छाप बिठाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे अभी हो रहा है। अब हो रही है हल्दी का रस्म, जिन्होंने मड़वे का रस्म किया था सबसे पहले वो लोग हल्दी लगा रही हैं, तो सबसे पहले पापा ने लगाया था और उसके बाद जो भी बाकी के मेंबर है वो लगाएंगे, और उन सबके लगाने के बाद हम सब हल्दी लगाएंगे।
अरे मिलेगा आपको सब जोड़ के दे देंगे, चिंता क्या करते हो? यही है सब कुछ। अरे वो बोला ना सब जोड़ के दे देंगे। तो अब हमारी बारी, मैं आपको कैमरे के पीछे ही दिखूंगी क्योंकि मेरे टाइम पे शूट करने वाला कोई भी नहीं था, तो मैं आज आपको दिखूंगी नहीं। मैंने थंबनेल में जो पिक्चर लगाया है वही वाला साड़ी मैंने पहना हुआ था, और हमेशा मैं जब शूट करती हूँ तो खुद को दिखाना भूल जाती हूँ। इस हल्दी वाले ब्लॉग में का आगे के आने वाले ब्लॉग में भी आप ऐसा ही देखेंगे, मैं खुद को दिखाना भूल गई। घूमने का नाम बताइए, गाय बारी के पक्षी लगे तैयार सबको गाय है, सबको गाय भी नहीं हो गया दादी का दादी बोलो खाने आ तो पक्का आपको छोड़ देंगे तैयार कर ले। अब हो गई हल्दी की रस्म कंप्लीट और सब मिलकर अब हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।